हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि शादी होने के बाद कुछ समय तक लड़का और लड़की एक साथ अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं और इसी चक्कर में उनके साल या 1.5 साल शादी के बाद अच्छे तरीके से बीत जाते हैं। लेकिन कई बार जब ये समय बीत जाता है तो पति अक्सर पत्नियों के साथ बेवफाई करना शुरू कर देते हैं, जिनका कारण हमेशा पत्नियाँ जरूर पूछती हैं कि आखिरकार उनके पतियों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया है। चलिए आज जानते हैं इन्हीं कारणों के बारे में जिनकी वजह से पति पत्नियों के साथ बेवफाई करते हैं। दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसके अंदर पति और पत्नी दोनों को ही एक साथ एक दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और उससे भी ज्यादा प्यार, ये तीनों चीजें मिलती हैं और सही तरीके से चलती हैं तभी एक शादी लंबे समय तक टिक पाती है। लेकिन जब ये तीनों चीजें आपस में अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो शादी का टिकना नामुमकिन सा हो जाता है और इसी वजह से कई बार पति अपनी पत्नियों के साथ बेवफाई करते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से कुछ ज्यादा ही चाह रखने लगते हैं, कुछ ज्यादा की चाहत हमें काफी ज्यादा असंतुष्ट कर देती है। जब हमारी इच्छाएं, हमारा पार्टनर हमारी चाहत के अनुसार पूरी नहीं कर पाता है तो हमारी सारी इच्छाएं असंतुष्टि में बदलती चली जाती हैं, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और समय से पहले ही हम अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोच लेते हैं। इन्हीं तीन कारणों की वजह से पति अपनी पत्नियों के साथ बेवफाई करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी के साथ रिश्ता बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा की चाह करना आपकी सबसे पहली और बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए बहुत ज्यादा की चाह कभी मत करिए और अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। आप खुद को भी समझाइए और उन्हें भी समझिए ताकि आप आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिठा सकें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।